दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पिछले मंडे को मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं अब दोस्तों से मुलाकात नहीं कर सका और अपने आइडियाज़ को शेयर करने का मौका नहीं मिला। चूँकि मेरी जो बाएं कलाई है उस पर फ्रैक्चर हो गया था, इसी वजह से मैं इंतहाई एक तरह से तकलीफ़ में रहा और साथ ही पूरे जिस्म पर जो कि चोटें आई थी, तो इसी वजह से मैं अब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। नाज़रीन, जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी थी वो दरअसल ये है कि जो मौजूदा कोरोना का इशू चल रहा है आलमी सतह पर, तो इस हवाले से मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि ये एक तरह की बायोलॉजिकल वार है चाइना और अमेरिका के दरमियान। पूरी दुनिया को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा है, तो इसके लिए ये जो तमाशा हो रहा है वैक्सीन का, इसके लिए लॉकडाउन और साथ ही सोशल डिस्टेंस, ये शायद किसी एक ऐसे ज़माने की तरफ हमें लेके जा रहे हैं कि जो हमें और हमारे दिलों को एक दूसरे से दूर कर देगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अखलाकी तौर पर अखलाकी स्तर पर एक बहुत बड़ी तनज़ली होगी। तो दोस्तों हमारे अरबाब इख्तदार को भी समझना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और अपने आर्मी चीफ से भी यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप आलमी एजेंडे पर अमल ना करें बल्कि अपने मुल्क अपनी अखलाकियात का भी दिफा करें और इस हवाले से मुनासिब इकदाम करें। तो मैंने चूँकि पहले कहा था कि ये एक मैन मेड किस्म का वायरस है, आज मैंने एक वीडियो देखी हिटलर दादा की, यानी फरहत अब्बास शाह की, जो कि अदीब दानिशवर हैं, शायर हैं और साथ ही यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने भी इस तरफ काफ़ी इशारा किया, शेर हसन गुफ्तगू की। उनकी इस गुफ्तगू से मैं अब दोस्तों से ये कह दूँ कि 100% मुत्तफिक हूँ कि यकीनन इस तरह की वार्स दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो करते हैं, उनके तजारती मफादात होते हैं, साथ ही उनके आपस में मुकाबले होते हैं बहुत बड़े। तो नाज़रीन, इसके लिए हमें उनके एजेंडे पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है कि हम दिफा नहीं कर सकेंगे, हम उनकी फौजी कुव्वतों के सामने भी यकीनन कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने मफादात को देखना पड़ेगा, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ेगा, ना कि हम अमेरिकन, चाइनीज़ या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की प्रायोरिटी को देखें। सबसे पहले हमें अपने मफादात को सामने रखना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं एक बार फिर फरहत अब्बास शाह को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया, इस इशू की तरफ इशारा किया। हालांकि इस तरफ इशारा करना यकीनन एक तरह से आलमी एजेंडे को चैलेंज करना है और आलमी एजेंडे को चैलेंज करना भी यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो नाज़रीन, मैं आखिर में अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने फेसबुक पर मेरे साथ इजहार हमदर्दी किया और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इस हवाले से उन लोगों ने मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स किए, कमेंट किए और दुआएं दी। तो इस मौके पर चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली खान रिशक, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल करके मेरी इजाज़त की। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल मनशा फरीदी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।